हेलो हाय, वेलकम टू माय चैनल नज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं फिर से मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन लेकर आ गई हूँ, बट इस बार कुछ डिफरेंट तरीके से दिखाऊंगी, बिकॉज आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते होंगे। तो मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरी 8:30 बजे तक, और सबसे पहले मैं उठकर ये सब चीज़ें ठीक करती हूँ, बिकॉज आपकी आसपास की चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं और तरीके से जगह पर होती हैं, तो आपका हर चीज़ में दिल लगता है और पॉजिटिव वाइब्स आती है हमें ऐसा करने से, इसलिए मैं ये सब चीज़ें करती हूँ। और बिकॉज मुझे OCD भी है, हाँ मुझे ऐसा लगता है, कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ, उसके बाद मैं ये पी रही हूँ। तो मैंने 1 चम्मच शहद डाला, उसके बाद इसमें गर्म पानी डाला, क्योंकि इससे बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई हो जाती है, और हमारा अगर वेट हम क्योंकि मेरा जो है ना वेट बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैं ये पीती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से डिटॉक्सिफाई हो जाता है इससे हमारी बॉडी। और विटामिन सी है तो ग्लोइंग स्किन भी होती है इससे बहुत ही ज़्यादा, तो इसको ना मैंने एक हैबिट में ले लिया है अब, बिकॉज मुझे कितना भी आलस आ जाए, क्योंकि तो मैं पीती ही हूँ लेकिन मुझे कितना ही आलस आए उसके बाद मैं इसको पीती हूँ। उसके बाद ब्रश करती हूँ, तो यहाँ पर मैं ब्रश कर रही हूँ आज बाथरूम में, तो मैं वहाँ वेट कर इसलिए करती हूँ कि बैठकर आराम से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ट्राईपॉड रखने की जगह नहीं थी, तो आज मैंने जो है वॉशिंग मशीन रखी हुई थी तो मैंने उसके ऊपर ही ट्राईपॉड रख लिया था, मुझे डर लगता है कहीं मेरा फ़ोन गिर ना जाए इसलिए। उसके बाद मैंने ब्रश किया अच्छी तरीके से, अरे अच्छी तरीके से ही तो करते हैं ब्रश को सॉरी, तो थोड़ा सा फ़नी हूँ मैं, मतलब ऐसी हूँ। उसके बाद मैं पता है क्या करती हूँ, लिप्स पर भी थोड़ा सा ब्रश कर लेती हूँ, इससे हमारे लिप्स पिंक होते हैं, तो इस तरीके से मैं करती जाती हूँ। और ना पता है मेरी 2 वीडियोस वायरल हो गई, और मतलब मेरा तब भी वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, और सब्सक्राइबर भी मेरे 1000 नहीं बने, मतलब 1000 नहीं हुए अभी सब्सक्राइबर, होने वाले हैं कुछ दिनों में हो जाएंगे, तो मैं Q&A वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, उसमें आपको जो भी पूछना है आप कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर दूंगी Q&A वीडियो लेकर आऊँगी जब, तो पूरा मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी आपके, तो उसमें आप जो भी चाहे पूछ सकते हैं। उसके बाद मैंने जो है ब्रश कर लिया था, तो यहाँ पे थोड़ी सी मजाकिया हूँ हाँ, तो बुरा मत मानना आप लोग। उसके बाद मैं मेरा जो फेस वॉश है ना वो ख़त्म हो चुका था, तो मैं यहाँ पर ये 15 रुपये वाला फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, 15 रुपये वाला बहुत अच्छा होता है ये नीम वाला। उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से फेस पर लगाया, अच्छी तरीके से ही लगाते हैं ना, मैं भी पागल हूँ बिल्कुल बुद्धू हूँ। उसके बाद अच्छी तरीके से मैंने फेस वॉश कर लिया, पता है मैं काजल नहीं लगाती हूँ, जब भी मैं काजल लगाती हूँ ना मेरी आंखों के नीचे ये काले काले से दिखते हैं घेरे, और काजल ना पूरा फैल जाता है, तो मैंने अभी नहीं 2-3 दिन मतलब मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने काजल लगाया था, तो अभी तक मतलब मेरा छूटा नहीं है, आप देख सकते हैं इतना सारा मतलब लगा हुआ है आँखों के नीचे भी, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि फिर वो रह जाता है उसका निशान। तो आज मैंने बाथरूम में वीडियो शूट करी और अब फेस वॉश मैंने कर लिया, उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया है। तो स्किन केयर रूटीन मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी, उसके बाद आप देख सकते हैं मैं वहाँ वीडियो शूट करती थी, आज मैंने वहाँ की। उसके बाद टॉवल से अच्छी तरीके से पोंछ लिया मैंने फेस को, तो Q&A वीडियो लेकर आ रही हूँ, मैंने बता दिया है जो भी क्वेश्चन पूछना है तो कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, भूलना मत, बहुत सारे क्वेश्चन मतलब मैं सबके आंसर दूंगी, पूरी वीडियो बनाऊंगी, तो जो भी मतलब आपको पूछना है तो उसमें कमेंट कर देना। उसके बाद मैं यहाँ पे काजल छुटा रही थी जो कि छूट नहीं रहा था मुझसे मतलब इतना साफ़ करने के बाद भी थोड़ा बहुत ही छूटा था काजल। उसके बाद एक चीज़ दिखाऊं मैं आप लोगों को, ये पेंटिंग देख रहे हैं आप लोग, पेंटिंग नहीं मतलब ये एल्बम है, मुझे शादी में मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दी थी, और मेरी शादी को 1 साल हो चुका है, एंड इस पर अंग्रेज़ों की फ़ोटो लगी हुई थी जो कि मैंने निकाल दी थी, और इस पर मैंने इस्लामिक फ़ोटोज़ लगा दी थी, तो बीज वाली नहीं मिली थी तो गुलाब वाली लगा दी थी मैंने। उसके बाद मैंने नहा लिया था, तो मैंने स्किन केयर नहाने के बाद ही दिखाया, बिकॉज मैं नहाती नहीं हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है, फिर स्किन केयर इसलिए नहीं करा मैंने आज। हाँ जब मैं मतलब
नहीं नहाती हूँ क्योंकि मैं सर्दियों में एक दिन छोड़ के एक दिन या दो दिन भी, कभी कभी तो तीन दिन हो जाते हैं नहीं नहाती हूँ क्योंकि यार सर्दी लगती है। अच्छा कौन कौन ऐसा करता है बताना कमेंट में। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं मैंने गुलाब जल अपने फेस पे स्प्रे किया, गुलाब जल को स्प्रे बॉटल में भर के। उसके बाद मैंने ये मॉइस्चराइज़र लगाया जो कि मामा अर्थ का है। वैसे मेरे पास इससे अच्छा कोई मॉइस्चराइज़र है नहीं, लेकिन मैं कम लगाती हूँ बिकॉज़ ख़त्म हो रहा है, क्योंकि फिर मैं ले नहीं पाऊँगी ना, मतलब ले लूँगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा मुझे बिकॉज़ इतना, मतलब अच्छी क्वांटिटी में है लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा लगा मुझे। उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से फेस पर मसाज कर इसको अप्लाई करके एंड अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब किया अपने फेस पर, एंड देन मुझे लिप बाम के लिए कुछ दिखाई नहीं दिया तो बोरोलिन पड़ी हुई थी फ्रिज के ऊपर तो मैंने उसी को अप्लाई कर लिया और अच्छी तरीके से मसाज करा और फिर पोंछ लिया। क्योंकि ये बोरोलिन ना रात में ठीक लगता है लगाना, क्योंकि दिन में ना चिप 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 सा लगता है। उसके बाद मैंने बॉडी लोशन लगाया, तो यही है मेरे पास बॉडी लोशन बोरो प्लस का, तो इसको अच्छी तरीके से लगाया। पता है जब मैं वीडियो शूट नहीं करती थी, मतलब यूट्यूब पर नहीं थी, यूट्यूब पर मुझे 3 महीने हो गए हैं, तो मैं ये सोचती थी कि मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मतलब कैसे शूट करूँगी, क्योंकि और यूट्यूबर्स को देखा है उनके बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे पास जो है मैं उसी में मतलब दिखा देती हूँ। तो आज ना मेरे घर में फ्रूट्स थे, अरे मतलब आज मेरा मतलब ये नहीं है लेकिन हाँ आते हैं मेरे घर में, ऐसी बात नहीं। तो मैंने ना आज क्योंकि मेरी डाइटिंग चल रही है, अभी मैंने डाइटिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप मोटी हो रही हो ये वो। अरे मैं इतनी मोटी नहीं हो रही हूँ लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि बाहर की तली भुनी चीज़ें नहीं खाऊँ। आज ना स्ट्रॉबेरी भी थी घर में, वैसे स्ट्रॉबेरी सच बताऊँ ना तो मैं लाइफ में तीसरी या चौथी बार ही खा रही होंगी, इतनी मैंने स्ट्रॉबेरी अपनी लाइफ में खाई नहीं है, मतलब हाँ तो मैं चौथी पांचवीं बार ही खा रही होंगी शायद। उसके बाद स्ट्रॉबेरी को भी मैंने कट कर लिया और एप्पल को भी मैंने कट कर लिया, तो एक ही एप्पल खाया मैंने, ज़्यादा नहीं खाया। पता है सुबह सुबह मतलब पोहा वगैरह था नहीं तो मैंने कहा यही खा लो, क्योंकि कुछ खाने का दिल कर रहा था तो डायरेक्ट खाना नहीं खिलता है सुबह सुबह, इसलिए तो मैंने ये सब खाया तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था मुझे। तो यहाँ पर मुझे हंसी भी आ रही थी कि मैं क्या क्या यार क्या क्या कर रही हूँ, तो ये तो रूटीन है ना यार, ये सब दिखाने में क्या शर्म, ये तो रूटीन वीडियो है। इसके बाद मैंने लिप्स पर लगाने की कोशिश की तो ये कलर ही नहीं छोड़ रहा था, थोड़ा बहुत टिंट आया एकदम हल्का सा जो कि कैमरे में बिल्कुल भी फोकस नहीं हो रहा था, एंड थोड़ा सा ना खट्टी सी थी स्ट्रॉबेरी लेकिन अच्छी थी, मस्त थी, मज़ा आ गया। उसके 2-3 घंटे बाद मैंने घर का बना हुआ खाना खाया जो कि मैंने ही बनाया था, मैं ही बनाती हूँ, मटर पनीर की सब्जी, रोटी और सैलेड, सैलेड नहीं सलाद, मेरी ज़बान फिसल जाती है तो उसके लिए सॉरी। उसके बाद मैंने ये खाया तो सिंपल सा घर का बना हुआ खाना और ऑयली चीज़ें अवॉइड करती हूँ मैं। उसके बाद मैं विटामिन डी लेने धूप में चली गई और अच्छी तरीके से धूप में अपने बाल भी सुखा लिए थे और इधर उधर देखा, बढ़िया धूप खाई, उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। सो गाइस आज की जो वीडियो थी बस इतनी सी ही थी, मेरा मॉर्निंग स्किन केयर कंप्लीट होता है, यहाँ से दोपहर स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय।